नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खुश हैं, तंदुरुस्त हैं और स्वस्थ हैं। कोरोना काल चल रहा है तो इसलिए अपना ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और डैशिंग गोल्डन डायरीज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं रूबरू होकर ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग सुरक्षित रहिए और इस चैनल को देखते रहिए। दोस्तों, हाल ही में एक ख़बर आई है कि जो कंगना रनावत हैं, हमारे बॉलीवुड की बहुत बड़ी हीरोइन, बहुत बड़ी अदाकारा, मशहूर अदाकारा, वो मुसीबत के घेरे में फिर से आ गई हैं, क्योंकि उन्होंने फिर से एक नकारात्मक टिप्पणी दे दी है, या सकारात्मक उनके मुताबिक बीजेपी के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर, और ये जो है कि जो हार हुई है बीजेपी की उसके ऊपर। असल में क्या है कि बीजेपी की बहुत बुरी शिकस्त हो गई है बंगाल में, तो यहाँ पे कलकत्ते में, इनफैक्ट नंदीग्राम में जब हार हो गई है उस नेता की, बीजेपी की, और वहाँ पे जो ममता बनर्जी द ग्रेट लीडर शी वन एक्चुअली दिस टाइम, बहुत सारी बातें चल रही थी कि बीजेपी फिर से आ जाएगी और ये वो फलाना ढिकाना, फिर से मतलब स्टेट में आ जाएगी। वैसे तो टीएमसी की सरकार काफ़ी सालों से चल रही है, कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट थी वहाँ पे, और ये है कि भाई कांग्रेस पार्टी से टीएमसी पार्टी निकली है। और ये है कि जो अमित शाह साहब जो बहुत बड़े बीजेपी के लीडर हैं, होम मिनिस्टर हमारे, तो वो बड़े मतलब उनका जो चुनाव प्रचार है बड़े पैमाने में होता है और ज़बरदस्त तरीके से वो करते हैं। तो उम्मीद इस वक्त ये थी कि इस बार की बीजेपी आ जाएगी वहाँ पे, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ पे नहीं आ सकी, बीजेपी के लिए दुर्भाग्य है। लेकिन उसका फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी, तो उन्हीं में से एक शुमार है हमारी अदाकारा कंगना रनावत जी। तो पहले यहाँ पे अपना वो अपनी जो टिप्पणी उन्होंने दी है, तो वो टिप्पणी जो है उसको नकारात्मक टिप्पणी कहा गया है, और इस प्रकार की टिप्पणी इस समय रूलिंग पार्टी रिलेटेड मैटर में करना बिल्कुल ही गलत है, तो ऐसा कहा जा रहा है। तो उसके मुताबिक जो है बहुत बड़ी बात चल रही है। और हाल ही में कुछ साल पहले, पिछले कोरोना काल में, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के बारे में भी ऐसी कुछ बातें कर दी थी, तो उनका जो बंगलो है मुंबई में, तो वहाँ पे भी उनके ऊपर उनको बाहर निकाला गया था, उनके ऑफिस से उनको निकाल दिया गया था और कहा गया था कि ऑफिस क्लोज कर लो। तो फिर वो हिमाचल चली गई, वहाँ पे अपने गांव में, घर में, वहाँ पे भी बहुत बड़ा बंगलो है, वहाँ पे उन्होंने काम करना चालू किया, वेब सीरीज़ वगैरह वहीं पर उन्होंने शूट की। बहुत बड़ी अदाकारा हैं, कितनी अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने की, क्वीन में कितना बढ़िया काम किया उन्होंने, लेकिन क्यों आखिर ऐसा क्यों कह रही हैं, इस तरह की बातें क्यों कह रही हैं, जो कि एक रूलिंग पार्टी, एक पार्टी है, ठीक है, गणतंत्र प्रजातंत्र है, लेकिन आप थोड़ा सा सोचें कि आप एक अदाकारा हैं, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम सब जो है यूट्यूब चैनल, टीवी, मीडिया, फिल्म की तरफ से हम इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं, इस आर्ट के माध्यम से हम इस मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम कुछ बात कहते हैं, हम एक दृष्टांत हैं, तो लोग अगर कहने लगे कि भाई ये तुम ऐसा क्यों कह रहे हो या क्यों कह रही हो, तो फिर वो गलत बात हो जाएगी। ठीक है, हार हुई है, किसी ना किसी पार्टी की हार होती है, किसी ना किसी पार्टी की जीत होती है, लेकिन इस समय इस प्रकार विवादात्मक बयान देना ठीक नहीं था। क्या मकसद था ये सब, डैशिंग गोल्डन डायरीज की तरफ से आपको बाद में पता लग ही जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो विवादों के घेरे में है और उनका ट्विटर अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया गया। That is very important thing and that is unlucky actually. उनके लिए तो एक दुर्भाग्य समान बात है। तो उम्मीद है कि वो फाइट बैक करेंगी और बहुत जल्द जो है सामने आएंगी और खुलासा करेंगी कि क्यों ऐसा उन्होंने कहा, क्या मकसद है, और आई होप शी विल गेट सम कंसेशन इन दिस। बट वो एक बहुत अच्छी महिला है और वो बहुत कुछ देश के लिए कर सकती हैं, अपनी कला के माध्यम से या राजनीति के माध्यम से। हम तो यही चाहेंगे कि भगवान उनको आशीर्वाद दें। ओम साई राम, आप लोग ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और बहुत जल्द हमारी फिल्म रिव्यू में आप एक अगली नई फिल्म के बारे में, वेब सीरीज़ के बारे में जानिए, जुड़े रहिए, और हमारी जो सीरीज़ है उसको भी देखते रहिए। बहुत जल्द हम आ रहे हैं अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।